हेलो जी नमस्ते। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ शिकारी माता के मंदिर। शिकारी माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के शिकारी धार में है। ये मंदिर हिमाचल में ही नहीं अपितु विश्व में भी विख्यात है। इस मंदिर के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर दृश्य है जो कि मन को मोह लेते हैं। शिकारी माता की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास में की थी और ये पांडवों की आराध्य देवी भी मानी जाती है। ये विश्व में एकलौता ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर छत नहीं है। सर्दियों में यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है परंतु माता की मूर्तियों के ऊपर कभी बर्फ नहीं गिरी, कभी भी ये मूर्तियां बर्फ से नहीं ढकी। तो चलो अब अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो जय माता दी। मॉर्निंग गाइस। तो भाई आज हम जा रहे हैं शिकारी देवी। शिकारी देवी हम जा रहे हैं बाया डिडोर चैल चौक और थुनाग जंजली होके। तो भाई इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सफर भी लंबा है। तो भाई शिकारी देवी जाने से पहले मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ। तो हाँ जी, फिर क्या हाल चाल आप सबके? सभी बढ़िया एंड हिप हॉप एंड टिप टॉप है ना? मैं बहुत बढ़िया हूँ, यानी कि एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलते हैं अब शिकारी देवी। तो जी ये जो हमारा सफर है हमारे होम टाउन सुंदरनगर से स्टार्ट हुआ है और अभी हम पहुंचे हैं चैल चौक में। चैल चौक से शिकारी माता की मंदिर की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है। इस ब्लॉग में मैं आपको माता शिकारी की स्टोरी और जो सुंदर सुंदर व्यू है उनको दिखाने वाला हूँ। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है परंतु पूरा देखें। अभी हम पहुंच चुके हैं गणेश चौक में। यहां से अथर्व के मामा और नानी हमारे साथ चलेंगे। ये है अथर्व के मामू। अभी हम बक्साइड में पहुंचने ही वाले हैं और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये शिव मंदिर है। भाई जब बक्साइड आएंगे तो इस शिवलिंग के दर्शन जरूर करना जो इस मंदिर के अंदर है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो एक बड़ी पत्थर की चट्टान के ऊपर खुद ब खुद प्रकट हुआ है जो आप मंदिर के नीचे भी देख सकते हैं। अभी हम थुनाग पहुंच चुके हैं और ये थुनाग की छोटी सी मार्केट है। इस सफर में आपको बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे क्योंकि शिकारी माता के मंदिर तक बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व्यू है जो कि देखने लायक है। उन सभी दृश्यों को मैं आपको दिखाऊंगा। तो जी हम पहुंच चुके हैं जंजली। यहां से शिकारी माता के मंदिर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर रह जाती है और ये छोटी सी मार्केट जंजली की है। तो भाई क्यों ना आपको चलते चलते माता रानी की कहानी भी सुना देता हूँ। जब पांडव यहाँ पर आए थे तो पांडव शिकार करते करते शिकारी धार में पहुँच गए जहाँ पर माता रानी ने उनको दर्शन दिए। उसके बाद पांडव अपने शिकार करने में सफल हुए। फिर वहीं पर पांडवों ने माता रानी की शक्ति रूप में तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर फिर से माता रानी ने उनको दर्शन दिए और कौरवों के साथ युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद पांडवों ने यहाँ पर माता रानी का मंदिर बनाया और माता रानी की मूर्तियों की स्थापना की। पांडवों द्वारा मंदिर का निर्माण तो कर दिया गया परंतु वहाँ पर छत नहीं लगाया गया, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। उसके बाद भी कोई भी माता रानी के मंदिर के ऊपर छत नहीं लगा पाया। कहा जाता है कई बार छत लगाने की कोशिश भी की गई परंतु छत वहां पर नहीं टिक पाया। माता रानी खुले आसमान में ही रहना चाहती है। शिकार खेलते खेलते पांडवों को माता रानी ने दर्शन दिए थे। उसके बाद माता रानी का नाम शिकारी माता पड़ा। तो जी ये थी माता रानी की कहानी। माता की कहानी सुनाते सुनाते हम भी माता के मंदिर के पार्किंग के पास पहुंच चुके हैं। तो अब गाड़ी को पार्क कर लेते हैं फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। तो जी फाइनली हम माता के मंदिर के गेट के पास पहुंच चुके हैं। जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं माता शिकारी का गेट है। तो यहाँ से अब हम पैदल जाएंगे और ये कुछ व्यू है यहाँ के, बहुत सुंदर व्यू है, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है और ये पहला गेट है माता के मंदिर का। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है जो कि मंदिर तक पहुँचाएगी। मंदिर की तरफ हम चल पड़े और आज मेरे साथ है मन्नू भाई और अथर्व, भारती और मम्मी और अथर्व के नानी। अथर्व कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। कौन से मंदिर? मंदिर। शिकारी मंदिर। आप क्या खा रहे हो? चिप्स। क्यों? क्योंकि ना भूख लग रही थी। भूख लग रही थी? खाना नहीं खाया घर में? घर में खाना नहीं खाया? ये मैं
चिप्स खाया हूं अभी। अच्छा चिप्स ही खा रहा है। हेलो है तो कर लो इधर। हेलो, यहाँ देख के करते हैं तो। हेलो। तो जी ये है मेरे मम्मी, तो ये है थरब के नानी, और ये है भारती। भाई ऐसा ही रास्ता मंदिर तक है, और बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत ही प्यारा रास्ता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर मौसम एकदम कूल है, बहुत अच्छा मौसम है। हमारे सुंदरनगर में तो अभी भी गर्मियाँ हैं, सुबह शाम हल्की ठंड हो रखी है, बट अभी सुंदरनगर में गर्मी ही है, पर यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम है, और रास्ते में चलने का मज़ा बहुत आ रहा है। ठंडे ठंडे मौसम में सीढ़ियाँ चलने का जो आनंद है वो कुछ अलग ही है। तो फाइनली हम माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहाँ पर झंडे लगे हैं, ये माता का मंदिर है। तो चलते हैं माता के मंदिर की तरफ। तो जी ये है माता के मंदिर का दूसरा गेट, इसके बाद हम मंदिर में प्रवेश कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का सबसे खूबसूरत व्यू दिखा देता हूँ, जिसके लिए लोग तरसते हैं देखने के लिए। तो भाई ये है वो व्यू जो माता के मंदिर से आता है, बहुत खूबसूरत व्यू है। इस सुंदर से व्यू को देखने के बाद अब चल पड़ते हैं माता के मंदिर की तरफ, और करवाता हूं आपको सुंदर से दर्शन माता रानी के। ये है माता रानी का सुंदर भवन, और देखो इस मंदिर के ऊपर छत नहीं है। मैं अंदर जाके आपको माता रानी के दर्शन करवा देता हूं। तो भाई ये है माता रानी के सुंदर से दर्शन। इन्हीं मूर्तियों के ऊपर कभी बर्फ नहीं टिकती, ना ये कभी बर्फ से ढकती है। ये भी माता रानी का एक चमत्कार है। तो भाई अब आप दर्शन कर लो, कुछ देर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। दर्शन मैंने आपको करवा दिए, अब मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। तो भाई इस मंदिर में दुर्गा माँ, देव कमरू नाग जी, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और काली माँ, और भी बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जिनके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मुझे कैसा लगा माता के दर्शन करके? मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को एक अलग सा सुकून मिला। तो अब हम जा रहे हैं जो माता का मेन स्थान है, जो आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ के भी दर्शन आपको करवाऊंगा। वहाँ पर कम ही लोग जाते हैं, पर मैं और मन्नू भाई और भारती माता के उस दरबार भी जाएंगे। और ये पीछे माँ शिकारी माता का मंदिर है, और इस जगह को बोलते हैं जो आप पीछे देख रहे हैं भद्राकाली माता का मंदिर है। और यहाँ पर अभी हम खाना खाने के लिए बैठे हैं, हम घर से ही खाना लाए हैं, पहले खाना खा लेते हैं, और क्योंकि हम घर से भूखे पेट आए थे तो अब खाना खा लेते हैं, फिर भद्राकाली माता के मंदिर चलते हैं। भाई प्राकृतिक सौंदर्य की यहाँ पर बिल्कुल भी कमी नहीं है। माता शिकारी का मंदिर 3,359 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा रहा, कैसा लगा? अच्छा। माता के दर्शन किए, और क्या किया माता के पास आपने? माथा टेका। माथा टेका, फिर क्या बोला माता ने आपको? माता ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, सब ठीक है। तो भाई हम घर से खाने में सेब, भल्ले, चने, आलू और पूरी और चपाती और मिक्स वेज लाए हैं। भाई खाना खुना खा के हम हो गए हैं फ्री, तो अब हम जा रहे हैं भद्राकाली माता के मंदिर, जो माता का प्रचंड रूप है वहाँ पर। तो इस जगह में कोई कोई ही जाते हैं, तो यहाँ मैं जा रहा हूँ, और भारती और अथर्व और मनु भाई। तो यहाँ पीछे
यहाँ माता का प्रचंड रूप है, तो यहाँ अब मैं जा रहा हूँ और आप लोगों को भी यहाँ के दर्शन करवाऊँगा। तो चलो अब भद्राकाली माता के दर्शन करते हैं। अभी हमें जाना है इस चोटी में जहाँ पर आपको झंडा भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर झंडा भी दिखाई दे रहा है। तो भाई जगह की बात की जाए, बहुत प्यारा प्लेस है, बहुत सुंदर प्लेस है। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो अक्टूबर महीने तक आ जाए, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 15 तक मंदिर के जो द्वार है वो बंद हो जाते हैं, फिर अप्रैल में खुलते हैं, क्योंकि उस दौरान मंदिर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जितना भी आप देख रहे हैं पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। और एक आश्चर्य की बात तो यह है, जो मंदिर में जो माता जी की मूर्तियाँ हैं उन पर कभी बर्फ ही नहीं पड़ती है, उन तक आज तक कभी बर्फ ही नहीं पहुँची है और मंदिर के अंदर कभी बर्फ ही नहीं पड़ती। तो ये भी एक यहाँ की कुदरत है, शक्ति है माता की। जबकि इस एरिया में कम से कम 15-15, 20-20 फुट भी बर्फ पड़ जाती है। यहाँ ऊपर अभी हमने जाना है और प्लेस बहुत सुंदर है। भद्राकाली माता के मंदिर मैं भी पहली बार जा रहा हूँ और भारती भी पहली बार जा रही है और अथर्व भी और मन्नू भाई पहले जा चुके हैं, तो उनके साथ हम जा रहे हैं। भाई यहाँ से थोड़ा सा भी पैर स्लिप हुआ तो सीधा नीचे, इसलिए पहाड़ों में आराम से और ध्यान से चलना चाहिए। ये देखो रास्ता, खतरनाक रास्ता है भाई। माता के दर्शन करना आसान नहीं है, जिसको माता का बुलावा आता है वो ही माता के दरबार पहुँचता है। भाई रास्ता थोड़ा कठिन है, अगर आपके साथ बुजुर्ग आए हैं तो उनको यहाँ मत लाए, क्योंकि यहाँ पर फिसलने का भी डर है और थोड़ा सा पत्थर पथरीला रास्ता है। अगर आपके बुजुर्ग पहाड़ों में चढ़ने के अनुभवी है तो उनको ही लाएं, इसलिए मैं भी अपनी मम्मी को यहाँ पर नहीं लाया, क्योंकि उनको आदत नहीं है ऐसे रास्तों में चलने की। तो मन्नू भाई ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये रास्ता थोड़ा कंजस्टेड है। तो माता के मेन स्थान में पहुंच चुके हैं, बहुत खुशी मिल रही है, बस थोड़ा सा रहा। तो जी फाइनली हम माता के दरबार पहुंच गए हैं, जो मेन स्थान है। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये माता भद्राकाली शिकारी माता का मेन स्थान है, प्रचंड रूप है। तो मैं आपको बैक कैमरे से माता के दर्शन करवाता हूँ। खराब जय किया आपने भाई। यह है भद्राकाली माता का स्थान। कहा जाता है जब काली माँ प्रचंड रूप में आई थी और पूरे विश्व का सर्वनाश करने के लिए माता रानी चल पड़ी थी, तो इस जगह में माता रानी को शांत किया था। तो भाई यहाँ पर भी बहुत सुंदर व्यू है, उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अपने ब्लॉग का एंड भी कर दूंगा माता रानी के नाम से। और एक व्यू है जो देखने लायक है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ।
थैंक्स मनु भाई का, जिन्होंने हमें माता रानी के दर्शन करवाए जो प्रचंड रूप है माता का। तो हम तो पहली बार ही यहाँ पर आए। शिकारी माता के मंदिर तो हम पहले आ चुके थे, पर जो यहाँ पर प्रचंड रूप है यहाँ पर मनु भाई हमें लाए, तो मनु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जरूर करना। तो चंगा फिर मिलते हो अगली बारी, तब तक के लिए बाय 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 बाय। जय माता दी, जै माता।